घर से नहीं जा रही है, मैं इसको कब से भगा रही हूँ। जा दे माँ को इंडिया दे दो, चलो मम्मा के हैंड में इंडिया दे दो। थैंक यू। टुर्की कहाँ है? टुर्की दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम को 4 बजे से, और अभी मम्मी पापा लोग थोड़ा सा लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, और मेरी दीदी का भी कॉल आया है कि उनको अचानक से कल ही जाना पड़ रहा है चंडीगढ़ को। तो अब वैसे तो वो 2 तारीख तक रुकने वाले थे पहले, तो हमने सोचा था आराम से एक आध दिन बैठेंगे, आराम से बातें बातें करेंगे खूब सारी। तो इस बीच दीदी को भी टाइम नहीं और मिलना जुलना हो नहीं पाया हमारा, तो अभी दीदी का कॉल आया था कि हम लोग कल जा रहे हैं, तो मिलने आ सकती है तो आ जा। तो मिलना तो बनता ही है दीदी से, और फिर उसके बाद दीदी चले जाएगी चंडीगढ़, तो फिर कहाँ मुलाकात होती है। वैसे तो फ़ोन कॉल्स पे और वीडियो कॉल पे बातें होती रहती हैं हमारी, पर ऐसे आमने सामने बैठ के बातें करने में जो मज़ा आता है। मैं करती हूँ दीदी के घर जाने की तैयारी, और बच्चों से भी मिलना है, काव्या और विवान से भी मिलना है। फिर वो फिर बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं ना, उनको देखने का और पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता जब वो छोटे छोटे से होते हैं। काव्या को भी बचपन में जब वो छोटी सी थी तब हम उसे ज़्यादा मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, और विवान भी एक आध बारी मैं उससे मिली हूँ विवान से, तो थोड़ा बहुत जितना जब भी मौका मिलता है तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर ही लेना चाहिए जब वो छोटे छोटे से होते हैं। तो फिर उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं और फिर वैसा लाड प्यार करने जैसा रह नहीं जाता है बच्चों के साथ। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो प्यार का भी तरीका बदल जाता है। तो अभी ये देखिए बिस्तर मैंने उठाया नहीं है, धैर्य यहाँ पे सोया हुआ था, तो अब धैर्य को भी ले जाती हूँ, और पहले मैंने बिस्तर समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने बनानी है पापा लोगों के लिए चाय। फटाफट से तैयार होके फिर जाती हूँ मैं दीदी के यहाँ। अभी लगभग 4 बजने वाले हैं, तो फटाफट से आना भी है घर को वापस, तो एक आध घंटा रुकूंगी मैं वहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी उन लोगों की कैसी तैयारियां चल रही हैं कल चंडीगढ़ जाने के लिए। हुआ ये इसको भी लगा लूं? पता है क्या ये? आपको पता है ये क्या है? वो। क्या आज तो गाइज अभी हो गई हूँ मैं रेडी, और अब मैं बना लेती हूँ पापा लोगों के लिए चाय, क्योंकि पापा लोग भी जग गए हैं। तो अब फटाफट से चाय बना लेते हैं, और 4 बजे नहीं है अभी, 5 मिनट और है, तो 5 मिनट में चाय बन जाएगी और 4 बजे मैं निकल जाऊँगी। देखिए वहाँ धैर्य इधर उधर जाते रहता है, परेशान कर देता है, कभी बाथरूम में घुस जाता है, कभी वॉश बेसिन के यहाँ पे चढ़ जाता है। तो इसको मैंने बैठा दिया है यहाँ पे, और यहाँ से अब ये नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि इसे नीचे उतरने में लगता है डर कि भी गिर जाएगा। तो यहाँ पे बैठाते हैं, यहाँ पर से अभी हिलेगा नहीं, और मैं फटाफट से कर लूँगी अपना काम, वरना इसी के पीछे लगे रहना पड़ता है मुझे। सबसे पहले मैं धैर्य के लिए दूध बना देती हूँ, क्योंकि फिर धैर्य भी दूध पी लेगा जब तक चाय बनेगी।
मम्मी भी आ गए हैं अब धैर्य के साथ खेलने के लिए। तो दूध बना के मैंने धैर्य को दादी के साथ ही बैठा दिया है ताकि धैर्य दूध अच्छे से पी ले, वरना वो दूध से भी खेलता रहता है। चाय भी दो ही गिलास बनानी थी तो झटपट बन के तैयार हो गई है, और मम्मी के लिए निकाल दी है मैंने यहाँ पे बिना चीनी वाली चाय, क्योंकि मम्मी को है डायबिटीज़। मम्मी को डायबिटीज़ है इसलिए मैंने मम्मी के लिए इतना सा गुड़ निकाल के रखा हुआ है, तो मैं लेके आती हूँ। मम्मी को चाय दे दी है और अब पापा की चाय में चीनी डाल के पापा की चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो पापा को चाय दे देते हैं और धैर्य को भी रेडी कर लेते हैं हम। अभी आता हूँ शाम को। ओके। तो धैर्य और मैं जाने लग गए हैं दी के घर, और धैर्य जा रहा है अपने ताई मम्मा के घर, और ये मिलने वाला है अपने छोटू भैया से अभी और काव्या दीदी से। तो धैर्य काव्या दीदी से मिलोगे ना, मजा आता है ना काव्या दीदी के साथ। चलो फिर आराम से। धैर्य भी एक्साइटेड रहता ही है दीदी लोगों से मिलने के लिए अपने। दी के घर जा रही हूँ आज मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से, और यहाँ से जाऊँगी ना तो 5-7 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो आधा रास्ता हम लोग आ गए हैं, और धैर्य कभी दौड़ ले रहा है कभी क्या ही हो रहा है इसको। चलो ना आगे, चलो 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 चलो। तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं दीदी के घर के बाहर पे। चलो 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 ना, दौड़ के चलना है दौड़ के। हाँ ऐसे यहाँ पे से आराम से। ये कौन है? मेरे बेटे। बेटा या भाई? भाई। तो ये है धैर्य की काव्या दीदी। चलो चलो भाई, रास्ते में ही काव्या दीदी मिल गई है धैर्य को। धैर्य आपने काव्या दीदी के पैर नहीं छुए यार, क्या बात हो गई? पैर खुट्टी जाए, खुट्टी जाए, खुट्टी जाए। हाँ हाँ कर रहा है, वो करने दो। हाँ ऐसे, गुड बॉय। काव्या दीदी हमको लेने ही आ रही थी, मतलब यहाँ चलो। धैर्य यहाँ है दीदी का घर, देखो किसने ये? दीदी ने भी अपना कैमरा ऑन करके रखे भाई। वो देखो और ये देखो, ये हमारा, ये क्या डाला है मुंह में? बोलो प्लेट, बोलो प्लेट खा रहा हूँ, मेरी मम्मी मेरे को खाना नहीं खिला रही है बोला। तो गाइस दी के घर पे पहुंच गई हूँ मैं, ये देखो। और अब हम लोग करते हैं खूब सारी बातें, क्योंकि कल को दी जा रही है तो फिर बातें करने का मौका नहीं मिलता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जो दी की देवरानी है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जब भी वहाँ पे कोई जाता है तो वो फटाफट से चाय वाय बना के लेके आ गए हैं, और हम यहाँ पे बैठ के अभी बातें ही कर रहे थे। काव्या को आज चश्मा भी लग गया है, और हम लोग यहाँ पे बैठ के यही बातें कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम कैसे हुआ होगा। तो दी ने बताया कि डॉक्टर का कहना है कि ये प्रॉब्लम काव्या को बायबॉर्न नहीं है। तो काव्या का चश्मा भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, और हम लोगों ने भी पहन के ट्राई किया था तो हम लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, और चश्मे का नंबर भी -5 और -4.5 में ही है काव्या का, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ऐसे नहीं जा रही है, इसको कब से भगा रही हूँ। जाते बहुत हुआ। बातें करते करते टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, और अभी लगभग 7 बजने वाले हैं तो बाहर अंधेरा हो गया, इसकी खिड़की से अंदाज आ नहीं रहा था, और धैर्य कब से परेशान कर रहा था कि घर चलो घर चलो। मैं इसको कह रही, इसको वो देखो, ये देखो, ये धैर्य धैर्य घर जाए, घर जाए। अब यार अब भिंजू को आना पड़ेगा हमको छोड़ने। आओगे भैया? भैया मेरा बेटा कहाँ है? अरे आ गई, भेजो लॉलीपॉप आ गई धैर्य के लिए। थैंक यू। यांची ताता आए होगा, देखो हमारे दोनों का गेम है। चीयर्स।
तो गाइस ये हमें जबरदस्ती भगा रही है यहाँ से, देख लो देख लो, जाओ जाओ जाओ, ऊपर से उसमें धैर्य ने और चार चार लगा दिए, मम्मा चलो चलो करके जा ही नहीं रहे, तो इतने लोग हमको छोड़ने के लिए आ रहे हैं, रखा है चलो चलो चलो, ये देखो भाई चलो भाई चलो भाई चलो, ए मेरे को मास्क दे देना, मैं बहुत मजे लेके आ चुका हूं। चलो 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 यार चलो भाई बोल दो भैया को, अपने घर से ऐसे कौन भेजता है यार, देखो भाई भाई तो अब आ रहे हैं दीदी और जीजा जी हमको छोड़ने के लिए, क्योंकि अंधेरा सा हो गया अभी और पापा का भी कॉल आ गया था घर से, तो दीदी जीजा जी के साथ जाएंगे हम और निकलेंगे हम दो टाइम में। अच्छा 11-12 बजे का। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है फिर। तो गाइस दी लोग आए थे हमको यहाँ पे रोड पर तक छोड़ने के लिए और अब दीदी लोग यहाँ से जाएंगे और कल ये लोग चले जाएंगे लगभग 11 बजे के करीब, तो बाय। तो गाइस दी के घर से आ गई थी मैं और उसके बाद मैंने घर पे थोड़ा सा सब्जी वगैरह भी चढ़ा ली अभी, और अभी मैं धैर्य को थोड़ा सा पढ़ाई करा रही हूँ, इसे थोड़ा सा कंट्री फ्लैक्स कार्ड दिखा रही थी मैं, कंट्री फ्लैक्स, तो देखते हैं धैर्य को कितने कंट्री फ्लैक्स याद है। तो चलिए धैरू, हाँ चीले कहाँ पे है, चीले ठीक है, और घना कहाँ है, डंडा है, कहाँ पे है घना, अंगुली लगाओ अच्छे से, एक हाथ पीछे करो अच्छे से ऐसे करके अंगुली लगाओ, घना और कनाडा कहाँ है, और फिलीपींस गुड, और तो ब्राजील कहाँ पे है, ब्राजील और नेपाल, नेपाल कहाँ पे है बाबू, नेपाल में फिंगर लगाओ तो ठीक, फ्रांस कहाँ पे है, फ्रांस फ्रांस हाँ ये है ना, गुड बेबी गुड। स्टार्ट धैरू, तुर्की कहाँ पे है, तुर्की में फिंगर लगा दो, वन फिंगर से बताओ ना, तुर्की बताओ, तुर्की 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 हाँ, अर्जेंटीना हाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंडिया ढूंढो, इंडिया वन दो, कहाँ है इंडिया दो मम्मा को, थैंक यू, और इजिप्ट कहाँ है, इजिप्ट थैंक यू मम्मा को, इंडिया दे दो, चलो मम्मा के हैंड में इंडिया दे दो, थैंक यू, तुर्की कहाँ है, तुर्की दो, अच्छे से देख के देना, अर्जेंटीना, इजिप्त, जापान, जापान ये नहीं है बाबू, कहाँ है जापान, हाँ सिंगापुर, मम्मा को दे दो बेल्जियम, बेल्जियम दे दो मम्मा के हैंड में, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू, हाँ दो मम्मा को दो, हाँ ऑस्ट्रिया ढूंढो अब, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया ढूंढो, ऑस्ट्रिया दो मम्मा को ठीक है, इजराइल हाँ, यूनाइटेड किंगडम दोनों नहीं चाहिए, यूनाइटेड किंगडम चाहिए, थैंक यू, स्वीडन थैंक यू, थैंक यू बेबी। तो धैरू हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया, गुड, और धैर्य कहाँ रहता है हमारा, इंडिया में है, बागेश्वर, गुड गुड, है अर्थ में, अर्थ इंडिया,
इंडिया, उत्तराखंड, बागेश्वर। गुड बॉय। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं किचन में रोटी बनाने के लिए, और धैर्य को भी मैंने अपने साथ यहीं पे बैठा के रखा हुआ था पहले, और फिर इसको बैठे बैठे चैन आता नहीं है तो ये ऐसे यहाँ पर भी खेलने लग गया है। तो ऐसे करके ये यहाँ पे थोड़ी देर मेरे साथ खेलता रहता है, और मैं भी इसे यहाँ पर ABCD वगैरह थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती रहती हूँ। जब इसका मूड होता है तो रिपीट करता है, वरना मूड नहीं होता तो फिर नहीं बोलता है, मूड ही है थोड़ा धैर्य। तो गाइज, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।